नमस्कार दोस्तों, न्यू लाइफ क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। मॉडर्न हिस्ट्री का ये तीसरा पार्ट है और 18वीं शताब्दी में भारतीय समाज के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसा कि मैंने मुगल साम्राज्य के पतन के बारे में बता दिया आप लोगों को, पहले पार्ट में हमने पढ़ा था भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन कैसे हुआ। उसके बाद जब आगमन हो गया 17वीं शताब्दी में आगमन हुआ, मतलब 1600 ईस्वी के आसपास कंपनियां खोली जाने लगी। ठीक है, पुर्तगीज आए, इंग्लैंड वाले आए, ठीक है, अंग्रेज आए, डच आए, डेन आए, फ्रांसीसी, स्वीडिश, सभी लोग आ गए, कंपनियां खोली जाने लगी। उसके बाद मुगल साम्राज्य इतना विशाल साम्राज्य, ठीक है, 1526 से वो लोग शासन कर रहे थे, इतनी विशाल सेना, ठीक है, पूरे भारत पे राज कर रहे थे, इतने समय से राज कर रहे थे। तो आखिर क्या कारण रहे कि मुगल साम्राज्य का पतन हो गया और अंग्रेजों का शासन हो गया, इसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया था पिछले वीडियो में। मुगल साम्राज्य के पतन के बारे में, नादिर शाह के आक्रमण के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया और मुगल साम्राज्य का पूरी तरह से पतन हो गया, इस बारे में हमने पूरी तरह से पढ़ लिया था पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे 18वीं शताब्दी में, मतलब 1700 से 18वीं शताब्दी, मतलब भी किसी ने लोगों को नहीं पता होगा, 18वीं शताब्दी का ये मतलब होगा कि 1700 से लेकर के 1800 ईस्वी तक भारतीय समाज कैसा था। भारतीय समाज मतलब भारत के लोग कैसे रह रहे थे, भारत में समाज कैसा था, ठीक है, इस बारे में हम लोग जानेंगे अच्छी तरह से, ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बस बताना चाहूँगा, उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए बात करते हैं। तो समाज में सबसे महत्वपूर्ण स्थान सम्राट का होता था, ठीक है, और हिंदू समाज में जात प्रथा का बहुत महत्व था, जाति प्रथा का बहुत बड़ा महत्व था, ठीक है, कि ब्राह्मण, ठीक है, ठाकुर, ठीक है, बनिया, ये सब जाति आप लोग समझते होंगे, उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बताना नहीं चाहूँगा, ठीक है, जात व्यवस्था तो अभी भी है, ठीक है। और स्त्रियों का समाज एवं घर में सम्मान था, परंतु समानता की भावना नहीं थी। स्त्रियों का जो है सम्मान तो था 18वीं शताब्दी में, समाज में, घर में बहुत ही सम्मान था, लेकिन समानता की भावना नहीं थी, ठीक है। और मालाबार एवं कुछ क्षेत्रों को छोड़कर हिंदू समाज पितृ प्रधान था। मालाबार और कुछ क्षेत्रों में हिंदू समाज पितृ प्रधान था, ठीक है, मतलब मालाबार में मातृ प्रधान था, ठीक है, और कुछ और क्षेत्रों में भी हिंदू और मुसलमान स्त्रियां पर्दा करती थी, पर्दा प्रथा का प्रचलन था। पर्दा प्रथा का प्रचलन मतलब स्त्रियां जो थी घर के अंदर ही रहती थी, पर्दे में रहती थी, ठीक है, बाहर निकलती थी तो पर्दे में रहती थी, घूंघट ओढ़ लेती थी, जैसे आजकल भी होता है, ठीक है, निकलना पसंद नहीं करती लोगों के सामने, ठीक है, अभी भी होता है। तो हिंदू और मुसलमान दोनों स्त्रियों में यह बात थी, पर्दा प्रथा का प्रचलन था। बाल विवाह प्रथा प्रचलित थी, यद्यपि गौना वयस्क होने पर होता था। बाल विवाह प्रथा का प्रचलन था मतलब बच्चे जब छोटे हों तभी उनका विवाह कर दिया जाता था, ठीक है, छोटे बच्चों का ही बाल विवाह कर दिया जाता था। बाल विवाह तो बहुत बाद में समाप्त हुआ, राजा राम मोहन राय, मतलब जब बहुत सारे समाज सुधारक थे लेकिन उसमें राजा राम मोहन राय का बहुत ही विशेष स्थान है, ठीक है, उन्होंने ही समाप्त करवाया, ठीक है, और विधवा विवाह की को भी उन्होंने शुरू करवाया, ठीक है। तो बाल विवाह का प्रचलन था, लेकिन जो गौना होता है विवाह के बाद, गौना जो आप लोग जानते होंगे कि जब दुल्हन जो है अपने पति के घर जाती है, ठीक है, वह जो होता था वो वयस्क होने पर होता था, ठीक है। पहले जो वयस्कता थी वो 21 साल थी, ठीक है, और बाद में 18 साल कर दी गई भारत में, ठीक है। ऊंचे वर्गों में दहेज प्रथा प्रचलित थी, दहेज प्रथा का प्रचलन था ऊंचे वर्गों में। ऊंचे वर्ग मतलब जो धनी लोग थे, जैसे क्षत्रिय लोग, वैश्य भी उसमें आ जाएंगे और ब्राह्मण लोग भी, ठीक है, तो ऊंचे वर्गों में दहेज प्रथा का प्रचलन था, ठीक है, जितने भी अमीर लोग थे और राजवंशों, बड़े जमींदारों और धनाधर घरों में बहुपत्नी प्रथा प्रचलन थी, ठीक है। बहुपत्नी प्रथा मतलब बहुत सारी वो लोग विवाह किए रहते थे, बहुत सारी पत्नियों को वो रखते थे, ठीक है, जो जमींदार होते थे, राजवंशी लोग होते थे, ठीक है।
राजवंश के लोग, धनी घरों के लोग, वो बहुत सारे विवाह किए रहते थे, ठीक है। परंतु साधारण लोग एक विवाह ही करते थे, लेकिन जो साधारण लोग होते थे वो एक विवाह ही करते थे, ठीक है, क्योंकि वो लोग गरीब होते थे। एक पत्नी ही रख लें वही बहुत बड़ी बड़ी बात होती थी, ठीक है, खर्चा भी तो होता है, तो एक विवाह ही कर ले वही बहुत बड़ी बात होती थी। लेकिन जो अमीर लोग होते थे वो बहुत अधिक विवाह करते थे, बहुत सारी पत्नियों को रखते थे, ठीक है, क्योंकि उनके पास पैसा भी होता था। अब देखिए, द्विजों में विधवा विवाह प्रायः नहीं होता था, और पेशवाओं में विधवाओं के पुनर्विवाह पर पद्दाम नाम का एक कर भी लगाया जाता था। पेशवा मराठाओं को कहा जाता था, मराठा मतलब महाराष्ट्र के आसपास जो पेशवाओं होते थे उनमें विधवाओं में पुनर्विवाह पर अगर विधवाएं अगर पुनर्विवाह करती थी फिर से विवाह, तो उसमें पद्दाम नाम का एक कर लगा दिया जाता था, इसीलिए वो लोग बहुत कम विवाह करते थे, ठीक है। और द्विजों में तो विधवा विवाह होता ही नहीं था। चलिए आगे बात करते हैं। बंगाल, मध्य भारत मतलब बीच का जो भारत है, राजस्थान इत्यादि के उच्च हिंदू कुलों में सती प्रथा भी प्रचलित थी। सती प्रथा का प्रचलन था। सती प्रथा मतलब, बहुत बार मैं बता चुका हूँ कि अगर किसी स्त्री का जो पति है, हस्बैंड, ठीक है, उसका जो पति है, ठीक है, अगर उसकी मृत्यु हो गई है, ठीक है, तो उसी के साथ साथ, उसके शव के साथ साथ, उसकी लाश के साथ साथ, ठीक है, उसकी पत्नी को भी जला दिया जाता था, उसके भी हत्या कर दिया, मतलब उसको जला दिया जाता था, ठीक है, यही सती प्रथा होता है, उसकी भी मृत्यु कर दी जाती थी, ठीक है। तो यह बंगाल, मध्य भारत, राजस्थान इत्यादि के उच्च हिंदू कुलों में होता था। सती प्रथा बहुत ही एक खराब प्रथा थी, जिसको बाद में राजा राम मोहन राय और बहुत सारे जो समाज सुधारक थे उनके विरोध के परिणाम स्वरूप, ठीक है, और भारत में जो अंग्रेज का वायसराय था उसके भी परिणाम स्वरूप, ठीक है, ये बाद में ख़त्म किया गया, ठीक है। दास प्रथा भी प्रचलित थी। हिंदू एवं मुसलमानों में शिक्षा के प्रति विशेष रुचि रही, परंतु भारतीय शिक्षा का उद्देश्य संस्कृति एवं साक्षरता था, संस्कृति था, साक्षरता नहीं, ठीक है। हिंदुओं और मुसलमानों में शिक्षा के प्रति विशेष रुचि रही थी शुरू में ही, लेकिन भारतीय शिक्षा का उद्देश्य संस्कृति थी, साक्षरता नहीं। भारत के लोग जो थे, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, वो लोग शिक्षा तो लेना चाहते थे, लेकिन अपनी संस्कृति से, कि हमारी संस्कृति कैसी है, तहजीब कैसी है, मुसलमान लोग कहते हैं तहजीब कैसी है, उसको वो लोग समझना चाहते थे। शिक्षा का उद्देश्य यह समझते थे, साक्षरता को वो लोग नहीं समझते थे, ठीक है, अपनी संस्कृति को सीख लें, अपनी तहजीब को सीख लें, हमारे बुजुर्ग लोग क्या कैसे रहते थे वो लोग तरीका सीख लें, यही वो लोग शिक्षा समझते थे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। संस्कृत के उच्च अध्ययन के केंद्रों को बंगाल, बिहार, नदियाँ तथा काशी में तोल अथवा चतुष्पाट कहा जाता था। फ्रांसीसी पर्यटक, ठीक है, बर्नियर ने काशी को भारत का एथेंस कहा है। विद्या का प्रचलन प्रायः उच्च वर्गों में ही था, परंतु निम्न वर्गों के बालक भी विद्या प्राप्त कर लेते थे। विद्या का प्रचलन जो था उच्च वर्गों में ही था, विद्या का प्रचलन प्रायः उच्च वर्गों में ही था, परंतु निम्न वर्गों के बालक भी विद्या प्राप्त कर सकते थे, ठीक है। क्या होता था कि जो राजा महाराजा थे, मतलब वो थोड़ा बहुत धन देते थे, वैसे लोग भी क्या करते थे, थोड़ा बहुत पैसा दे देते थे, ठीक है, जो सेवा करते थे उनके बच्चों को भी शिक्षा का अवसर प्रदान हो जाता था, ठीक है। स्त्री जो थी वो शिक्षा अभिष्ट नहीं थी, ठीक है। सवाई जयसिंह ने जयपुर, बनारस, दिल्ली आदि नगरों में 5 वेधशालाएँ बनवाई थी, ठीक है, और सबसे प्रसिद्ध जो बार बार पूछा जाता है जो जयपुर में बनवाया है, ठीक है, ठीक है। ये बहुत बड़े ज्योतिष भी थे, ठीक है, और इनको अंतरिक्ष से बहुत ही प्यार था, और इन्होंने यूरोप से लाया हुआ था वेद वो दूरबीन, ठीक है, यूरोप से, और ये अंतरिक्ष में देखा करते थे। इनकी जो पुत्री थी, इनके बारे में बहुत प्रसिद्ध है, इनकी जो पुत्री थी उन्होंने पूछा अंतरिक्ष में तारों के बारे में, तो इनको बहुत ही जिज्ञासा उत्पन्न हुई, और उसको जानने के लिए इनको रुचि हुई, और ये ज्योतिष विद्या में पारंगत होने के लिए इन्होंने शिक्षा भी प्राप्त की, ठीक है। तो आप लोग आगे भी इनके बारे में पढ़ सकते हैं बुक्स से, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था की आधार इकाई ग्राम थी, ठीक है, गांव।
नगरों में हस्तशिल्प का स्तर बहुत विकसित हो चुका था। भारतीय माल की संसार की सभी मंडियों में मांग थी। भारत के प्रमुख हस्तशिल्प केंद्र कौन कौन से थे? तो ढाका, अहमदाबाद और मसूलीपट्टनम में सूती कपड़ा बहुत ही प्रसिद्ध था, हस्तशिल्प के केंद्र थे। ठीक है, ढाका और अहमदाबाद और मसूलीपट्टनम में सूती कपड़ा का केंद्र था, और मुर्शिदाबाद, आगरा, लाहौर, गुजरात में रेशमी माल का, कश्मीर, लाहौर, आगरा में ऊनी शॉल और गलीचे के। ठीक है, भारत में व्यापारी पूंजीपतियों का विकास एवं बैंक पद्धति का विकास हो चुका था। उत्तरी भारत में जगत सेठों तथा दक्षिणी भारत में चेटियों का उदय हुआ। ठीक है, 18वीं सदी का भारत विषमताओं का देश हो गया था। अत्यंत गरीबी एवं अत्यंत समृद्धि दोनों साथ साथ पाई जाती थी। ठीक है, मतलब एक जगह तो बहुत ही अधिक गरीबी थी और एक जगह लोग बहुत ही धनी थे। ठीक है, एक जगह किसी के पास खाने को नहीं थी दो वक्त की रोटी, और किसी किसी जगह इतना खाना था कि कुत्ते को खिला रहे थे लोग मांस। ठीक है, जानवरों को खिला रहे थे वो अलग बात है, फेंक भी रहे थे, जानवरों को खिलाएं ये अलग बात है। ठीक है, लेकिन फेंका भी जा रहा था, खाने का दुरुपयोग हो रहा था। आज के जैसा ही है, लेकिन आज से और भी दुर्गति थी, आज से भी बहुत अधिक दुर्गति थी। ठीक है, तो विषमताओं का देश हो गया था 18वीं सदी का भारत, आज भी कुछ कम नहीं है। ठीक है, किसी के पास बहुत अधिक रुपया है और किसी के पास बहुत कम। ठीक है, 18वीं शताब्दी में भारतीय जनता का जीवन उतना ख़राब नहीं था जितना 19वीं सदी के अंत में ब्रिटिश शासन में ख़राब हुआ। ठीक है, जब 18वीं शताब्दी में भारतीय जनता का जीवन थोड़ा बहुत सही था, मुग़ल काल में थोड़ा बहुत सही था, लेकिन ख़राब भी हुआ धीरे धीरे। ठीक है, अकबर उकबर के टाइम में थोड़ा बहुत अच्छा था, और औरंगजेब के टाइम में ख़राब होता चला गया। ठीक है, धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ते गए मुग़ल काल वाले, मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, लेकिन जब प्लासी का युद्ध हुआ, फिर बक्सर का युद्ध हुआ, तो अंग्रेज़ों ने शासन कर लिया भारत में। ठीक है, तो उसके बाद भारतीय लोग थे उनका जीवन एकदम मतलब दुर्गति हो गई उन लोगों की, और यही गुस्सा फूटा 1857 की प्रथम स्वतंत्रता क्रांति के रूप में। ठीक है, तो प्रथम स्वतंत्रता क्रांति जो हुई, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857, ये उसी का एक रूप था। ठीक है, अचानक से नहीं हुआ, कोई भी क्रांति होती है अचानक से नहीं होती है, उसका बहुत सारा मतलब एक तरह से ज्वाला रहती है, वो अचानक से फूटता है, लेकिन पीछे उसके बहुत सारे कारण रहते हैं। ठीक है, तो 100 सालों से जो उन्होंने प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, और यह 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, मतलब 100 सालों से गुस्सा था भारतीयों में। ठीक है, 100 सालों से भारतीयों में गुस्सा था, और वह अचानक से फूट गया 1857 में। ठीक है, तो जब मैं पढ़ाऊंगा 1857 की क्रांति, तो उसमें डिटेल से इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि ये अचानक से नहीं हुआ, इसका बहुत सारा इसके पीछे कारण था। ठीक है, उस पर हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है, भारतीय कृषि तकनीक रूप से जड़बट थी। आयात की वस्तुएं कौन कौन सी थी? तो मोती, कच्चा रेशम, ऊन, खजूर, मेवे, कहवा, सोना, शहद, चाय, चीनी, कस्तूरी, टीन। टीन जो है सिंगापुर से आयात किया जाता था। मसाले, इत्र, शराब, चीनी इंडोनेशिया से आयात किया जाता था। कागज आदि के साथ हाथी दांत जो है अफ्रीका के जंगलों से आयात किया जाता, मतलब अफ्रीका से आयात किया जाता था, और इसकी बहुत मांग थी। ठीक है, हाथी दांत की। तांबा, लोहा और सीसा यूरोप से आयात किया जाता था। निर्यात की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु सूती वस्त्र थी। सूती वस्त्रों की बहुत अधिक मांग थी विदेशों में भारत के। ठीक है, भारत के सूती वस्त्रों की मांग विदेशों में बहुत अधिक मात्रा में थी। ठीक है, कच्चा रेशम, रेशमी कपड़े, लोहे का सामान, नील, नील जो थी भारत में, नील की जो खेती होती थी, ठीक है, उसकी बहुत अधिक मांग थी। और नील जो है, बाद में तो नीलकठिया जो है, नील
एक ऐसी खेती होती थी जिस पे लगान भी बहुत अधिक लगाया गया। ऐसा कुछ समय बाद तो ऐसी स्थिति आ गई कि लोगों को ऐसा कहा गया कि 2/3 भाग में नील ही उगाओ। इसीलिए गांधी जी ने क्या किया, आंदोलन भी किया था, ठीक है, उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो नील, सोरा, अफीम, चावल, गेहूं, चीनी, काली मिर्च, मसाले, रत्न और औषधियाँ, ये सब निर्यात की वस्तुएं थी। 18वीं शताब्दी में भारत का निर्यात भारत के आयात से अधिक था, मतलब भारत से आयात होने वाली जो वस्तुएं थी बहुत कम थी और भारत से निर्यात जो होती थी वो बहुत अधिक मात्रा में वस्तुएं निर्यात होती थी, ठीक है। मतलब आज के टाइम में देखिए, आधुनिक काल में अभी 2019 में तो निर्यात जो है भारत से कम होता है, आयात ज़्यादा होता है, इसलिए व्यापार घाटा अधिक है, ठीक है। तो उस समय अधिक था निर्यात, ठीक है। विदेश व्यापार को चांदी और सोने के आयात द्वारा संतुलित किया जाता था, ठीक है। 18वीं शताब्दी में देश का आंतरिक व्यापार प्रतिकूल रूप से प्रभावित था। महाराष्ट्र, आंध्र एवं बंगाल में जहाज निर्माण उद्योग विकसित हुआ। 18वीं शताब्दी की औसत साक्षरता ब्रिटिश शासनकाल की अपेक्षा कम नहीं थी, ठीक है। जाति नियम अत्यंत कठोर थे, अंतर जाति विवाह निषेध था, ठीक है। जाति नियम अंतर अत्यंत कठोर थे, अंतर जाति विवाह का मतलब कि सिर्फ अपने जाति में ही विवाह कर सकते, किसी भी और जाति में विवाह नहीं कर सकते, इसके बहुत ही कठोर नियम होते थे, ठीक है। और 18वीं शताब्दी में परिवार व्यवस्था पितृसत्तात्मक थी, परंतु केरल में परिवार मात्र प्रधान था। केरल जो कि आज के टाइम में 2019 में आप देखिए, ठीक है, बहुत अधिक समय से ही बहुत ही शिक्षित रहा है और यह मात्र प्रधान था, पहले भी 18वीं शताब्दी में भी, आज भी, ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं। और बाकी कहीं भी आप देखेंगे तो मात्र पितृसत्तात्मक थी भारत में, ठीक है, 18वीं शताब्दी में परिवार व्यवस्था। पर्दा प्रथा केवल उत्तर भारत में प्रचलित थी, दक्षिण भारत में नहीं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि भारत के इतिहास के बारे में, तो हम लोग अधिकतर उत्तर भारत के बारे में ही पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि कोई भी आता था तो दिल्ली सल्तनत, दिल्ली के बारे में ही पढ़ता है, ठीक है। दक्षिण भारत में हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो पर्दा प्रथा भी देखिए दक्षिण भारत में ही, उत्तर भारत में ही प्रचलित थी, दक्षिण भारत में नहीं। दक्षिण भारत के बारे में भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, एक अलग से पूरा दक्षिण भारत का इतिहास पूरा चलेगा, ठीक है। चलिए, बाल विवाह प्रथा पूरे देश में प्रचलित थी और सजीव प्रथा भी प्रचलित थी, लेकिन दक्षिण भारत में प्रचलित नहीं थी, ठीक है। तो ये सब मैं बता चुका हूँ कि पर्दा प्रथा क्या होता है, बाल विवाह क्या होता है, सती प्रथा क्या होता है। बाल विवाह छोटे बच्चों को का ही विवाह हो जाता था, ठीक है, वयस्क होने से पहले ही उन लोगों का विवाह हो जाता था, बालक होते थे तभी। सती प्रथा मतलब किसी स्त्री के अगर पति, हस्बैंड मर जाते थे तो उसके साथ उसकी भी मृत्यु कर दी जाती थी, और उनके साथ हिंदू है तो जला दिया जाता था, मुस्लिम है तो उसके साथ उसको भी दफना दिया जाता था, ठीक है। आमेर के राजा सवाई जयसिंह और मराठा सेनापति परशुराम भाऊ ने विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने की कोशिश की, परंतु सफल नहीं हो सके, ठीक है। आमेर के राजा जो सवाई जयसिंह हैं, जिन्होंने वेधशालाओं का निर्माण किया, ठीक है, बहुत जगह, और परशुराम भाऊ ने जो मराठा सेनापति थे, उन्होंने विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने की कोशिश की थी, बाद में जा करके सफल हुआ जब राजा राम मोहन राय ने इसको थोड़ा बहुत सारे समाज सुधारकों के सहयोग से ये सब काम किया, ठीक है। पंजाबी महाकाव्य हीर रांझा की रचना बारिश शाह ने इसी काल में की। हीर रांझा की रचना, बहुत लोग हीर रांझा की कहानी आप लोग पढ़ते होंगे, ठीक है, इसकी रचना किन्होंने की थी, तो बारिश शाह ने की थी, पंजाबी महाकाव्य है यह, ठीक है, बहुत ही अच्छी, इसका आज तक भी क्या होता है, लोग अभी भी पढ़ते हैं, लोग हीर रांझा की लोग देते हैं, ठीक है, मिसाल देते हैं किसी भी प्रेमी जोड़े को, ठीक है, हीर रांझा की मिसाल देते हैं। तो इसकी रचना की थी वारिस शाह ने, और 18वीं शताब्दी में ही इसकी रचना की गई थी। 18वीं शताब्दी में हिंदू एवं मुस्लिम में मित्रतापूर्ण रहे, ठीक है, और सामंत एवं सरदारों की लड़ाइयाँ और राजनीति धर्म निरपेक्ष थी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नवीन राज्यों का उत्थान हुआ, हैदराबाद, ठीक है, बहुत सारे नवीन राज्य हुए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है,
और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नवीन राज्य जो जो थे, ठीक है, उसके बाद अंग्रेजों का जो शासन रहा उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा, और तैयारी करते रहिए अच्छे से, एग्ज़ाम आने वाले हैं बहुत सारे, SSC का भी होगा, IAS प्री का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, और IFS का भी होगा, जितने सारे लोग अगर पढ़े होंगे तो, दोनों भरे होंगे तो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, वीडियो को शेयर करते रहिए, ठीक है। चैनल पे अगर कोई नया है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, धन्यवाद।